नवंबर दिसंबर में बहुत सारे फ्लावरिंग के लिए हमें अभी से स्टार्टिंग कर देनी पड़ती है। स्पेशली अगर हम गुलदावरी क्रिसेंथेमम की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन हमें मार्च अप्रैल से कर देनी चाहिए, तभी जाके हमें नवंबर दिसंबर में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी और गुच्छों में और लगभग 500 से 600 आपको फ्लावर्स मिलेंगे। इसके लिए हमें कटिंग को कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो मैंने प्रोसेस तो आपको पहले शेयर कर दिया है। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि कटिंग से हमें कब और कैसे प्लांट्स को लगाना चाहिए। मार्च में, अप्रैल में, एटलीस्ट अप्रैल तक आपको कटिंग्स लगा लेना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो देख के कटिंग लगा लिया है तो आज मैं आपको बताऊंगी उसके आगे क्या करना है हमें। मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से बताया था कि आप प्लास्टिक के पॉट या मिट्टी के पॉट किसी में भी कटिंग्स को लगा सकते हैं और जिससे कि आप गुलदावरी दोनों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेती है। बस उसे थोड़ा समय, ग्रोइंग टाइम उसे थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। अगर अभी हम कटिंग लगाएंगे तो उसमें और भी ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे जो कि कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे, कंपटीशन लेवल तक आप उसे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं कटिंग से। रूटिंग होने के बाद इस सभी प्लांट्स को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है 4 इंची के पॉट में। इसमें जो पॉटिंग सॉइल मैंने लिया है, इसमें सॉइल मैंने 80% लिया है और 20% कॉम्पोस्ट लिया है। साथ में SSP का मैंने इस्तेमाल किया है और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। आपको पॉटिंग मिक्स में हमेशा इसका ध्यान रखना है कि उसमें वेलड्रेन होना चाहिए। इसके लिए अब मैं पहला फर्टिलाइज़र बताऊँगी। हमें अभी ग्रोइंग पीरियड में से बैलेंस्ड NPK का इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी बैलेंस्ड NPK आपके पास है, 18-18-18, 19-19-19 या 20-20-20, इस ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये सल्फ़र एनरिच्ड है, तो इसमें सल्फ़र की भी कुछ मात्रा मिल जाएगी प्लांट्स को। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं एप्सम सॉल्ट इसके साथ मिला के। मैं हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। हफ्ते में एक बार 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में लेके हमें इस्तेमाल करना है। ये जो चम्मच है ये 1/2 टीस्पून है। इसमें अगर मैं इसको प्रोपोर्शन की बात करूँ तो लगभग 2 से 2.5 ग्राम तक इसमें आ जाता है। तो सिर्फ 1 चम्मच मैं लूँगी और 1 लीटर पानी में मैं इसे डिसॉल्व कर दूँगी। ये सब NPK 100% वाटर सॉल्युबल होते हैं तो ये तुरंत ही डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। हमें मॉर्निंग के टाइम पे इसे फर्टिलाइज़र को प्लांट को दे देना है। लगभग 50 ml तक आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र अभी नहीं देना है। अभी स्टार्टिंग में फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी कम रखनी है और धीरे धीरे फर्टिलाइज़र की जो रेशियो है वो मैं बढ़ाते रहूँगी और आपके बताते रहूँगी। अब ये कुछ प्लांट्स जो है वो थोड़े बड़े भी हो गए हैं, जिसमें 7 से 8 लीव्स आप दे सकते हैं, उसमें पिंचिंग का भी समय आ चुका है, तो उसे पहली पिंचिंग भी मैं कर दूँगी। साथ ही मैं बता दूँ कि प्लांट को अच्छे से हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें अभी इसमें इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हफ्ते में एक बार सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, साथ ही साथ इंसेक्टिसाइड का भी इस्तेमाल ज़रूर करें और वो भी शाम को करें, 5 से 6 बजे के बाद ही करें। अगर आपको ऐसे ही फ्लावर्स चाहिए अपने गार्डन में तो हमें थोड़ी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गुलदावरी थोड़ा सा मेहनत मांगता है, अगर हम वो मेहनत करेंगे तो हमारे गार्डन में वो बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी फ्लावर्स देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और देखते रहे गार्डनिंग विद रीना। हैप्पी गार्डनिंग। मिलती हूँ किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।